हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल गाइस आज के मेरे वीडियो में मैं आप सभी के साथ फ़ीमेल रेड्स एंड सिरप का रिव्यू करूंगी ये कैसी सिरप है और इसकी प्राइस क्या है और किन किन चीज़ों के लिए इसे यूज़ किया जाता है वुमेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो सभी ठीक हो जाएगी इस सिरप को लेने से तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और साथ में मुझे इंस्टा पर फॉलो करना भी मत भूलिएगा अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है जिसे आप यहाँ पर नहीं बता सकते हैं तो आप वहाँ पर जाकर मुझे पर्सनल कमेंट्स भी कर सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेट्स को स्टार्ट तो so गाइस हम सभी जानते हैं कि फीमेल रेडसन सिरप काफ़ी पुरानी है काफ़ी सालों से इसे यूज किया जाता है वुमेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आपके अगर पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं या पीरियड्स रुक रुक के आते हैं काफ़ी टाइम तक आपके पीरियड्स नहीं आ रहे कमर में दर्द रहता है पीरियड्स के टाइम पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है जिस वजह से आप बच्चा भी कंसीव नहीं कर पा रही हैं आपको भूख नहीं लगती है सुस्ती रहती है थकान रहती है कमजोरी रहती है अनिंद्रा की स्थिति रहती है ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको रहती है तो आप ये फ़ीमेल रेडसन सिरप ले सकती हैं इसकी जो प्राइस है वो वन थर्टी रुपीज़ है बट आपको डिस्काउंट करके वन ट्वेंटी रुपीज़ में इसको मिल जाएगी थ्री हंड्रेड एम एल की इसकी क्वांटिटी है काफ़ी बेस्ट सिरप है और काफ़ी टाइम से ये जानी जाती है और जब भी आप इस सिरप को लें तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए इसमें जो गर्ल्स बनी हुई आती हैं दो छोटी वाली हैं वही इस सिरप की पहचान है क्योंकि फीमेल रेडसन सिरप में काफ़ी सिरप आती है तो कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी नकली है वो थोड़ा पता लगाना कंफ्यूज हो जाता है तो इसे आप चेक करके ही खरीदें अगर पीरियड से रिलेटेड आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है आप बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही हैं या आपका बच्चा मिस कैरीज हो गया है या आपको दोबारा सेकंड बच्चा नहीं लग पा रहा है फ़र्स्ट बच्चा हो गया है और सेकंड बच्चा अगर आपको नहीं लग पा रहा है इस तरीके की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये फ़ीमेल रेडसन सिरप ले सकती है, हैं हेम पुष्पा सिरप के बाद अगर मैं कहूँगी कोई भी बेस्ट सिरप है तो ये सिरप भी काफ़ी अच्छी है इसे आप ले सकती हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी है और काफ़ी टाइम से इसे यूज़ की जा रही है बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए इस पर वीडियो नहीं बना पा रही थी बट मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे थे जिसमें गर्ल्स मेरे से पूछ रही थी कि फीमेल रेडसन सिरप हम ले रही हैं ये सिरप कैसी है तो सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाकर आपको डिटेल से इसके बारे में बताई जाए कैसी है अगर आपके बच्चेदानी में सूजन हो रही है बच्चेदानी में गार्ड बन गई है जिसकी वजह से आप बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है लिकोरिया की प्रॉब्लम्स हो रही हैं PCOS, PCOD की प्रॉब्लम्स से जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है PCOD की प्रॉब्लम्स की वजह से भी पीरियड्स कंटिन्यू नहीं होते हैं साथ ही मैरिज के बाद भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है अगर आप मैरिड हैं और आपको PCOD की प्रॉब्लम है तो आपको बच्चा कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी और अगर आप अनमेरिड हैं और आपको पी की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर नहीं आएंगे कई बार आपके पीरियड्स आ भी जाते हैं महीने में दो बार आ जाते हैं तो महीने में तीन बार आते हैं और किसी किसी के महीने में आते ही नहीं है कई साल हो जाते हैं मेरे पास ऐसे कमेंट्स में आते हैं जिसमें गर्ल्स पूछती हैं कि हमें दो साल से पीरियड्स नहीं आए अगर आपके दो साल से पीरियड्स नहीं आए और अभी तक आप इंतज़ार कर रही हैं किसका इंतज़ार कर रही हैं कि कब पीरियड्स आएंगे तो ऐसे में आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए चाहती हैं ऐसी कोई आयुर्वेदिक सिरप जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हो तो आप ये फ़ीमेल रेडसन सिरप यूज़ कर सकती हैं क्योंकि ये हर्बल होती है आयुर्वेदिक अधिक होती है इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते इनको लेने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका वेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा या आपको कोई भी नुकसान होगा ऐसा नहीं है साथ ही इससे आपको फ़ायदे भी होंगे अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा अंडर है तो आप मैंटेन हो जाएंगे साथ ही आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी इसे लेना बहुत ही आसान है इसे आपको चार से पाँच चम्मच गुनगुने पानी में मिक्स करके सुबह और रात को लेना है बट इन्हें आप कंटिन्यू लेंगी तभी आपको इनके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे साथ ही इनको लेते टाइम कुछ परहेज़ होते हैं जो करना बहुत ज़रूरी होता है जैसे आपको स्पाइसी फूड नहीं खाने आपको अचार नहीं खाना खट्टी चीज़ें आपको नहीं खानी है दही भी नहीं खाना है साथ ही अगर आप, आप इस तरीके की कोई भी चीज़ खाएंगी तो आपको इनके अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे और टीनेजर्स गर्ल्स को अभी से ही इस सिरप को लेना स्टार्ट कर देना चाहिए जिससे आगे जाके उनके पीरियड्स कंटिन्यू रहे अगर पीरियड्स कंटिन्यू रहेंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी साथ ही आपको थायराइड की या शुगर जैसी कोई भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मोस्टली बीमारियां होती है वेट बढ़ने की वजह से ही कई बीमारियां हो जाती हैं और इन बीमारियों का मेन रीज़न होता है पीरियड्स इनरेगुलर तो आप चाहती हैं आपके पीरियड्स रेगुलर रहें इस सिरप को आप अभी से लेना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपके पीरियड्स के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है कमर में दर्द होता है साथ ही आपके हाथ पैरों में दर्द होता है आपसे चला नहीं जाता है कोई काम नहीं किया जाता है तो इसके लिए आप इस सिरप को ले सकती हैं बट इनका जो कोर्स होता है वो टू मंथ का होता है टू मंथ तक आपको इस सिरप को कंटिन्यू लेना है और आपको गैप नहीं देना है जैसा आज आपने ले लिया है फिर आपने गैप दे दिया है तो ऐसे गैप आपको बिल्कुल भी नहीं देना है इस सिरप को आपको कंटिन्यू लेना है जब ही जाके इनके रिजल्ट मिलेंगे और इस सिरप को लेते टाइम अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो इस सिरप को आप छोड़ दीजिए फिर इस सिरप को आप कंटिन्यू मत लीजिए क्योंकि मेरे पास एक कमेंट्स था जिसमें कह रहे थे किसी ने मेरे पूछा था कि हमारे एक किसी ने सजेस्ट किया था कि आप हेम्प उस सिरप लीजिए बट सिरप को लेते लेते प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी तो हम उसको कंटिन्यू लेते रहे तो उस वजह से मिस कैरिज हो गया तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो आप सिरप को लेना बंद कर दीजिए प्रेगनेंसी में इस सिरप को नहीं लेना है प्रेगनेंसी के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है बट अगर आपका बच्चा फीड कर रहा है तो भी आपको इस सिरप को नहीं लेना है और अगर आपका बच्चा एक साल से बड़ा है तो आप इस सिरप को ले सकती हैं, बट सिरप को लेने में और बच्चे को फीड कराने में आप थोड़ा सा गैप रखिए जिससे वो बच्चे के अंदर नहीं जाए सिरप सो गल्स इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ पूछना है और भी ऐसी कोई सिरप है जो आप ले रही हैं जिसका नाम मुझे पता नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर बताऊंगी कि वो कैसी है क्या उसे आप ले सकती हैं क्योंकि मोस्टली गर्ल्स को पता ही नहीं रहता है कि कौन सी सिरप लेनी चाहिए और कौन सी सिरप नहीं लेनी चाहिए वो कोई सी भी सिरप ले लेती हैं फिर उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो सिर्फ यही कहती हैं कि हमें इसके रिजल्ट नहीं मिले तो प्लीज़ आप कोई सी भी सिरप को लेने से पहले आप उसके बारे में सर्च कीजिए क्या वो सिरप वाकई असरदार है या नहीं है उसके रिव्यू देखिए उसके बाद ही आप उन सिरप को लीजिए और इससे रिलेटेड आपको और कुछ भी पूछना है तो आप डायरेक्ट कमेंट्स करके भी मुझसे पूछ सकते हैं